दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में रिफा सेट 550 एमजी ट्रिपल के बारे में। भाई क्या है, किस तरह से काम करती है, कहाँ पर चले जाती है, कौन प्रिस्क्राइब करता है, कहाँ पर सावधानी रखें, डोज क्या लें, सब कुछ जानेंगे। सो देखिएगा। देखिए रिफा सेट एक ब्रांड है, 550 में डाला गया है दोस्तों, रिफाक्सी मी, ठीक है। तीन स्ट्रेंथ में, ये मैंगलोर्स कंपनी का ब्रांड है, तीन स्ट्रेंथ में बनाता है, 200, 400 और 550। कंडीशन के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सी मिलीग्राम की प्रिस्क्राइब करनी है। अगर इस नाम से आपको ना मिले, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी हो, नज़दीकी केमिस्ट स्टोर पर ना मिले, तो आप ले सकते हैं रिफागट, सनफार्मा कंपनी का है, ईजिली मिल जाता है। रफल आता है दोस्तों एलेम्बिक कंपनी का, वो भी मिल जाता है। टोरफिक्स आता है टोरेंट कंपनी का, वो भी मिल जाता है। बहुत सारे ब्रांड आते हैं, मैनकाइंड के, एरिस्टो के, तो काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं, मिल जाते हैं कोई ना कोई। बात करें भाई यूज क्या है, तो देखिए रिफाक्सी में एक एंटीबायोटिक है, जब पेट के अंदर इन्फेक्शन बढ़ता है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनको ख़त्म करने के लिए दी जाती है। डायरिया की प्रॉब्लम है, उल्टी दस्त वगैरह है, वहाँ पर दी जाएगी। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, दोस्तों आंत का एक रोग होता है, आंत खराब तो नहीं होती लेकिन सिग्नल देने लगती है खराब होने का, वहाँ पर अम्ल बढ़ता है, एंजाइम्स कम बनने लगते हैं, सूजन आता है, इन्फेक्शन हो जाता है आंत में, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, तो वहाँ पर फिर ये दी जाती है। दोस्तों एक डिजीज होती है हेपाटिक एंसेफेलोपैथी, इस डिजीज में दोस्तों लीवर का काम करना कम हो जाता है, ब्रेन पर इसका असर पड़ता है, व्यक्ति कंफ्यूज रहता है सारे दिन भर, नींद नहीं ले पाता पूरी तरीके। एक्चुअली होता क्या है कि जो लीवर होता है ये अशुद्धियों को खून के अंदर पहचानने से अंदर अपना काम करना कम कर देता है, नहीं पहचान पाता अशुद्धियों को, त्रुटि को खून के अंदर, तो वहाँ पर फिर दिक्कत होती है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो देखिए एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया ख़त्म करेगी, साथ ही साथ दोस्तों कई बार ब्लड के अंदर जो अमोनिया होता है प्रेजेंट ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है, क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है, अपने स्तर से ज़्यादा उठ जाता है, तो वहाँ पर फिर लीवर पर असर पड़ता है, तो उस स्तर को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अमोनिया के लेवल को ये काम करती है, अमोनिया के लेवल कम करती है। डोज की बात करें तो 550 मिलीग्राम के दिन में एक ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत होने पर, कम इम्पैक्ट आने पर सुबह शाम भी डॉक्टर कर सकते हैं, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। साइड इफेक्ट की बात करें, थकान हो सकती है, कब्ज हो सकता है, पेट में गर्मी हो सकती है, एंटीबायोटिक है, छाले भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा दिन तक यूज में ले रहे हो तो, ये थोड़े बहुत साइड हो सकते हैं। सावधानी दोस्तों यही है, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग डॉक्टर की सलाह के बिना यूज मत कीजिएगा, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकती है, थोड़ा अंतर रखिएगा, रात को गाड़ी चलाते समय नहीं लेनी चाहिए, थोड़ी विजिबिलिटी धुंधली हो सकती है। संपूर्ण रेडियो था दोस्तों, वीडियो कैसे का कौन लोग बताएगा, कुछ भी समझ में आए लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।